इंडियन प्रीमियर लीग का एक और सीजन खत्म हो गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर टाइटल अपने नाम किया। इस बार भी टूर्नामेंट में कमाल की परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, कई इंटरनेशनल तो कई लोकल प्लेयर्स से जलवे बिखेरे, लेकिन असली माहौल तो महेंद्र सिंह धोनी ने बनाया। इस सीजन तला ने कई छोटे छोटे कैमियो किए। धोनी जहां भी गए वहीं लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों को लग रहा था कि ये तला का आखिरी आईपीएल सीजन है और इसलिए लोगों ने उन्हें देखने के लिए लाइन लगा ली। धोनी के इस जलवे पर अब पाकिस्तान से भी कमेंट्स आए हैं। पूर्व पीसीबी चीफ रमीज राजा ने कहा है कि आईपीएल 2023 को धोनी मेनिया के लिए याद रखा जाएगा। इस टूर्नामेंट के दौरान सुनील गावस्कर ने अपनी शर्ट पर धोनी से ऑटोग्राफ लिया था। इस घटना को याद करते हुए राजा बोले, ये आईपीएल पीले रंग और महेंद्र सिंह धोनी के लिए याद रखा जाएगा। उनकी विनम्रता, धोनी मेनिया, उनकी कप्तानी, उनकी शांति और उनकी कीपिंग सालों तक याद रखी जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा ये आईपीएल उस पल के लिए याद रखा जाएगा जब सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड ने धोनी से अपनी शर्ट पर ऑटोग्राफ साइन करने को कहा। धोनी की इससे बड़ी तारीफ नहीं हो सकती। धोनी का ये 10वां आईपीएल फाइनल था और पहली गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए धोनी ने कप्तान के रूप में 5वीं आईपीएल ट्रॉफी जीत ली। राजा ने इस टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने वाले इंडियन यंगस्टर्स की भी तारीफ की। वो बोले, ये युवा बैटर्स के लिए भी याद रखा जाएगा। रिंकू सिंह, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़, ये स्टार्स आने वाले कई सालों तक इन ग्राउंड्स की शोभा बढ़ाएंगे। ये सीजन इसलिए भी याद रखा जाएगा कि इसमें कई बड़े नाम बाहर बैठे जबकि छोटे देशों के प्लेयर्स ने कमाल किया। फैक्ट ये भी है कि भले आपकी कोचिंग टीम में बड़े नाम ना हो लेकिन ये सफलता की गारंटी नहीं हो सकते। ये आईपीएल फैंस अच्छे शॉट्स, अच्छे कैचेस के लिए भी याद रखा जाएगा। जब बॉलर्स विकेट लेते हैं तो वो उल्टे सीधे भांगड़े नहीं करते थे, वो प्रेशर सिचुएशंस में अपने गेम को उठाते थे। टूर्नामेंट गुजरात टाइटंस की बॉलिंग और लेग स्पिनर्स के लिए याद रखा जाएगा। इस आईपीएल में एक वाव फैक्टर था। बता दें कि आईपीएल फाइनल बारिश के चलते तय वक्त पर नहीं हो पाया था। संडे 28 मई को हुई बारिश के बाद ये सोमवार 29 मई को खेला गया। टॉस जीतकर चेन्नई ने पहले बॉलिंग का फैसला किया। साई सुदर्शन की अच्छी बैटिंग के चलते गुजरात ने 20 ओवर्स में 214 रन बनाए। डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर चेन्नई को जीत के लिए 15 ओवर्स में 171 रन बनाने का लक्ष्य मिला। टीम ने 5 विकेट खोकर जीत के लिए जरूरी रन बना लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने। मैं हूँ गरिमा। ऐसी ही खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम एलटी प्रीमियम। क्या होगा इसमें? एलटी प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर एलटी प्रीमियम सब्सक्राइब करें।